क्या हुआ? ये देख बेबी, ये देख बेबी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने ज़माने में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का भी लोग करते हैं शुरू। तो आज मैं तकरीबन 10:30 का टाइम है, तो अभी नाश्ता करके बैठे हैं। तो फिश का एक पिछली वीडियो में आपने देखा होगा दोस्त का जो एतराज़ था फिश के बारे में, तो वो आज सोच रहे हैं कि वो उतार दें, जो जो उनका एतराज़ है उनको ख़त्म किया जाए। तो अभी मैं किचन में ही खड़ा हूँ, नाश्ता हमने कर लिया, सिर्फ हमारी जो फ़िश है वो अभी तक फ्राई हो रही है, क्यों अभी फ़िश खाने का मूड नहीं था, दोपहर को खाएंगे, बस अभी फ्राई कर रहे हैं, तो जब दिल करता है खाते रहते हैं। देखें ये फ़िश है, अभी कुछ इसमें से हमने खा ली है, तो अभी ये फ्राई हल्की सी आंच पे इसको फ्राई करते हैं कि जो इसका अंदर से पानी है बिल्कुल खुश्क हो जाए, जो वो अंदर से लेसदार होती है वो ना रहे, ये बर्फ़ी की तरह अंदर से खुलती है काफ़ी खूबसूरत, इसलिए एक एक पीस करके हम फ्राई करते हैं इसमें। तो हल्की आंच पे करते हैं, काफ़ी टाइम लगता है इसको फ्राई होने में, तो लेकिन तकरीबन इसको भी 10 से 15 मिनट लग जाएंगे एक साइड इसकी फ्राई होने में। तो अभी हम कॉल करेंगे दोस्त को, तो वीडियो में भी दिखाएंगे जब देंगे। तो आज मेरी वापसी का भी इरादा है उखाड़ा जाने का वापस, क्योंकि एक छुट्टी मैंने इजाफे की है, तो बस थोड़ा सा कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ी इजाफी एक, नहीं तो मेरी छुट्टी कल तक थी जुमे तक की। तो आज हम वापस चलेंगे, शाम तक चलेंगे, तो अभी तो तैयारी वगैरह भी करनी है, सिर्फ सर में तेल की मालिश करवाई है, तो नाश्ता करके भी फारग हुए हैं, तो थोड़ा सा काम हो रहता है। ये थोड़े से बाल हैं इनका, वो मशीन मैंने चार्जिंग पे लगाई हुई है, अंदर लगी हुई है वो भी अभी ये देखें, ये मशीन को चार्जिंग पे लगाया हुआ है, तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं इसको चार्जिंग पे लगे हुए, तो उम्मीद है मुकम्मल हो चुकी होगी, तो अभी ये लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर नहाना भी है, तैयारी वगैरह भी करनी है, तो अभी देखते हैं साथ साथ क्या होता है हमारा। मेरी कल वापसी हो चुकी थी, मैंने कल बताया था कल का व्लॉग शुरू किया हुआ है, जबकि ये फ़िश फ्राई हो रही थी हमारी, उस वक्त मैंने ये शुरू किया था, शुरू इसलिए किया था कि जो दिन का है रूटीन वो आप दोस्तों को दिखाएंगे, और जो फ़िश अपने दोस्त को देनी थी वो भी दिखानी थी, लेकिन वो दिखाई इसलिए नहीं कि फ़िश दी नहीं है, और देने की और ना देने की वजह वो दोस्त घर में नहीं था, मैंने उसी वक्त उससे रब्ता किया तो वो खानेवाल शहर गए हुए थे, और जिसकी वजह से उसका आना लेट था घर में, तो मुझे जल्दी थी इधर आने की क्योंकि मेरी गाड़ी का टाइम हो रहा था, तो फिर वो मैंने सोचा कि बाद में कुछ कर लेंगे दोस्त के साथ, दोस्त है दोस्तों के साथ ऐसा चलता रहता है, कभी ऊंच नीच होती रहती है, तो इसलिए मैं कल वापस आ चुका था। तो आज मैं इस वक्त उखाड़े में हूँ, तो क्लास को अटेंड किया, अटेंड करने के बाद अभी 12 बजे छुट्टी हुई है तो घर आए हूँ, तो अभी सिर्फ खाने का इंतज़ार है, खाना तैयार हो रहा है हमारा, खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर हम आराम करेंगे, फिर उसके बाद फिर क्लास का हमारा टाइम हो जाएगा। क्या हुआ? ये देख बेबी, ये देख बेबी, बेबी बेबी चुप करा, बेबी रो रहा है, बेबी के साथ तू भी रो रही है, ये देख बेबी, दो बेबी देख तो ले, टेम्पी फाइव बाहर फेंकाऊंगा, ये रो रहा है, छू वाला ना बेबी, हाँ छू वाला है, छू नहीं करता बीच में, इसको नहीं कुछ कहना, ये छू वाला है ना बेबी, छू वाला है मैं बेबी लेके बाहर फेंकाऊंगा, खुरली में बेबी गंदा है ना, दुआ भी गंदी है, छात दुआ भी गंदी, बेबी भी गंदा है ना, छू वाला बेबी बिल्ले, ए बिल्ले क्या देख रहा है, क्यों गुस्सा हुआ मोबाइल में, तेरा बेबी किधर है,
तो मैं फेंक दूँ उसको, तो उसको संभालती नहीं है, है? मैं फेंकने जा रहा। चीखें क्यों मारती है उल्टी सीधी? सुला दे, वो दे रो रहा है, उसको सुला दे पहले। देख मेरे मोबाइल देखेगा, मोबाइल देखेगा तेरे साथ, वो देख नहीं रहा, देख वो तेरे मुंह की तरफ देख रहा है, वो कह रहा है मैंने सोना है। था रहा है तुझे, तो सुला दे पहले उसको, सुला, चल सुला इधर, इधर सुला दे, कपड़ा दे इसके ऊपर, चादर, इसकी चादर किधर है? वो पड़ी, वो पड़ी, वो ले गया। तेरी इधर मारो, तेरी जी बोटी कर दो तेरी।